हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन ईकॉम टिप से। तो आशा करता हूँ आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक अच्छी खबर भी है ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो कि हम लोग करते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए ये न्यूज़ है कि अभी 15 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि कौन कौन से बिजनेस चालू हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं 20 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं कौन कौन से बिजनेस। तो उसमें एक बिजनेस ई कॉमर्स भी है। जी दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है, ई कॉमर्स के बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। जैसा कि अब तक यहाँ पर ई कॉमर्स में केवल कुछ ही कंपनीज काम कर रही थी, फ्लिपकार्ट तो नहीं था कोई भी, लेकिन अमेजोन पर और भी अदर जो है ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं उन पर केवल एसेंशियल प्रोडक्ट जो थे वही केवल बिक रहे थे। तो उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। तो और पास का भी अरेंजमेंट कई लोग के पास नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से इन चीज़ों में प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो अभी गाइडलाइंस जो आई हैं ई कॉमर्स की तरफ, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कि ई कॉमर्स बिजनेस भी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं, अपने एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी अपने सेल कर सकते हैं। जैसा कि अब तक 19 अप्रैल तक ये रहेगा कि एसेंशियल आइटम्स ही सेल कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल के इक्विपमेंट, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें या फिर आपका फूड से रिलेटेड चीज़ें थी, पर्सनल हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें थी। तो अब तक काफ़ी नुकसान रहा है ई कॉमर्स इंडस्ट्री ही नहीं, और भी इंडस्ट्रीज़ को ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी नुकसान रहा है ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड। बहुत सारे एसोसिएटेड सेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और इनकी इनकम बिल्कुल रुकी हुई है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो बिज़नेस है, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो इसमें ये कंडीशन है, जहाँ पर COVID-19 से रिलेटेड ज़्यादा इशू होगा, दैट मीन्स जहाँ पर कंट्रोल होगा वहाँ पर तो आपकी डिलीवरी, आपका बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप जो आपका रेड हॉट एरिया है या फिर हॉटस्पॉट एरिया है आपका, वहाँ ये बिजनेस नहीं होगा अभी, कुछ गाइडलाइंस अभी प्रॉपर आई नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से भी, कहाँ ये ऑपरेट होगा कहाँ नहीं होगा अभी कुछ पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है कि क्या होने वाला है 20 अप्रैल से। धीरे धीरे गाइडलाइंस कंपनीज निकालेंगी किन किन एरियाज में दे सकते हैं सर्विस, किन एरियाज में नहीं देंगे। तो इससे रिलेटेड अभी जो गाइडलाइंस आई हैं केवल इतनी ही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ एरियाज हैं उन एरियाज में इनकी सर्विसेज, इन बिजनेसेस को आप चालू नहीं कर सकते हैं। और जो हॉटस्पॉट होंगे COVID-19 से रिलेटेड जो एरियाज हॉटस्पॉट होंगे, उन एरियाज में आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ई कॉमर्स सर्विसेज जो भी रहेंगी या डिलीवरी सर्विसेज रहेंगी, वो जितने भी डिलीवरी सर्विस रहेंगे, डिलीवरी व्हीकल रहेंगे, वो स्पेशल परमिशन के साथ ही केवल डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जो कि आपका हॉटस्पॉट एरिया होगा उन एरियाज में ये बिल्कुल नहीं होगा। और गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो भी सर्विसेज रहेंगी वो स्टैंडर्ड रहेंगे, क्योंकि कंपनीज को ये भी ध्यान में रखना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रोल है कि कंपनीज को ध्यान में रखना होगा, वो अपनी सर्विसेज देते हैं तो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हों, सोशल डिस्टेंसिंग के और हाइजीन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हों। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज चालू होंगी। वैसे तो खैर अभी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या किस तरीके से सर्विसेज होंगी, कौन से एरिया में होगा, किस एरिया में नहीं होगा, तो ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है जो कि अभी किसी भी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनीज भी कुछ अभी अपनी गाइडलाइंस नहीं निकाल रही हैं, केवल गवर्नमेंट ने निकाली है। तो इन चीज़ों को देखना होगा अभी आगे हमें कि किस तरीके से आगे बिजनेस कर पाएंगे हम लोग, और जो ई कॉमर्स रिलेटेड लोग हैं वो किस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जिन जो एरिया हॉटस्पॉट नहीं है तो वो लोग बिजनेस कर पाएंगे। तो ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री के से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना बिजनेस दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि अभी जैसे 4-5 दिन हैं और इतने दिन का आपने टाइम अभी अपने बिजनेस में सोचने में लगाया है, प्लानिंग करने में लगाया है, तो अब टाइम आ गया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो बहुत अच्छा टाइम है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब तैयार हो जाइए कि आपका बिजनेस अब दोबारा से मार्केट में आने वाला है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो और देखने के लिए, जानने के लिए बाकी अपडेट, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो कि नेक्स्ट अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।